हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज भी मैं आपके लिए एक टॉप थीम लेके आ चुका हूँ। कुछ दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी गाइस। बट अभी मेरे पास बहुत सारी बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स है, तो एक एक करके जो है वीडियो आएंगे। बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस थीम का नाम जानने से पहले हम देखते हैं कि इस थीम को अप्लाई करने के बाद हमारे मोबाइल में जो है क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो गाइस, इस थीम को अप्लाई करने के बाद हमारी जो होम स्क्रीन है वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाती है। यहाँ पे अगर आप आइकन्स की तरफ देखते हो तो आइकन्स में उतने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट यहाँ पे गैलरी गेट ऐप्स जो है ये चेंज हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे टूल्स में अगर डाउनलोड देखते हो तो पहले ग्रीन था, यहाँ पे अब पर्पल हो गया है। बस इतने ही जो है आइकन में हमें चेंजेस मिलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद देखते हैं हमारी हम मेन सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में गाइज हमें कुछ इस तरह से सेटिंग्स कुछ इस तरह से चेंज मिलती है, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है एसुस रॉक की तरह, एंड बहुत बढ़िया लगती है सेटिंग्स। उसके बाद मैं आपको अबाउट फोन में जाके सिस्टम अपडेट पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि मेरे डिवाइस में अभी MIUI 11 रन कर रहा है। अगर आपके डिवाइस में MIUI 12 रन कर रहा होगा तो यहाँ पे भी जो है चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं हमारा डायलर। तो जैसे ही हम डायलर में जाते हैं तो डायलर भी यहाँ पे जो है हमें चेंज हुआ मिलता है, जो कि एकदम बढ़िया लग रहा है। मुझे ये डायलर का स्टाइल जो है बहुत ही पसंद आया है। उसके बाद देखते हैं गाइस हम हमारा मैसेज ऐप। तो मैसेज ऐप में हमें कोई भी जो चेंजेस नहीं मिलते क्योंकि मेरे डिवाइस में MIUI 11 रन कर रहा है। अगर आपके डिवाइस में MIUI 12 रन कर रहा है तो हो सकता है कि आपका मैसेज ऐप जो है यहाँ पे चेंज हो जाए। उसके बाद देखते हैं गाइस हमारा वॉल्यूम स्लाइडर। वॉल्यूम स्लाइडर भी जो है उसमें भी कुछ चेंजेस हमें नहीं मिलते, बट अगर आपके डिवाइस में MIUI 12 रन कर रहा है तो उसमें भी जो है चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं हम हमारा मेन नोटिफिकेशन पैनल, जो कि MIUI 11 के पुराने नोटिफिकेशन पैनल से जो बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़िया लग रहा है। अगर आपके डिवाइस में नॉच वगैरह है तो ये ऊपर का जो बैकग्राउंड का वॉलपेपर है वो बहुत ही बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अगर आपके डिवाइस में MIUI 12 होगा तो और भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा ये। तो देखते हैं इस थीम को अप्लाई करने के बाद गाइज हम हमारे लॉक स्क्रीन की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए। गाइज हमारी जो लॉक स्क्रीन है वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे वॉलपेपर वगैरह अगर आप देखते हो तो बहुत बढ़िया लगता है। मैं आपको एक बार फिर से मोबाइल को ऑन करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे क्लॉक स्टाइल भी चेंज हो चुका है। वॉलपेपर मोबाइल को ओपन करने के बाद वॉलपेपर थोड़ी देर मूव करता है, एंड यहाँ पे अगर आपका मोबाइल अगर मूव करता हो तो वॉलपेपर भी देख सकते हो आप हिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक स्टार की तरह दिखता है, इस पर टैप करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें बहुत सारे वॉलपेपर मिल जाते हैं। बहुत सारे नहीं, एक छह ही वॉलपेपर है। तो उसके बाद यहाँ पे हम पहला वॉलपेपर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे स्टार वॉर्स का जो है पहला वॉलपेपर आ चुका है, जो कि वो भी मूवेबल ही है। मोबाइल को मूव करने के बाद वो भी मूव होता है, ठीक है। उसके बाद ये स्वॉर्ड वाला, ये भी बहुत बढ़िया लगता है। उसके बाद ये वाला अप्लाई करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइव वॉलपेपर है, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे उसके मास्क पे जो है कुछ शाइन कर रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है, ठीक है। उसके बाद और बहुत सारे वॉलपेपर हम ट्राई करके देखते हैं। ये तो हमारा पहले ही हो गया। उसके बाद ये वाला देखते हैं, ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है। एंड ये लास्ट वाला वॉलपेपर, ये भी बहुत ही बढ़िया है गाइस। ये तो बहुत अच्छी तरीके से मूव करता है मोबाइल को मूव करने के बाद। अगर आप लेफ्ट स्लाइड करते हो तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। बस इसमें एक ही मुझे बात पसंद नहीं है कि यहाँ पे जो है कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही एक प्रॉब्लम है। ओवरऑल जो थीम है वो बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस थीम का नाम क्या है। तो गाइज हम थीम स्टोर में जाते हैं एंड मैं आपको दिखा देता हूँ इस थीम का नाम। तो गाइज इस थीम का जो नाम है वो है स्टार वॉर्स, एंड करीब जो है ये 30 MB की जो है ये थीम आती है। तो मुझे कमेंट में बताना आपको ये थीम कैसी लगी, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर देना।